एकदम हरियाणवी ते वही हो गया है। देखिए चिल्लाए आया बंसी करके। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। आज है सोमवार दोस्तों, और आज सोम प्रदोष भी है। ये उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, ये आप किसी भी सोमवार से करना शुरू करेंगे, आपकी लाइफ में बहुत ही बढ़िया इम्प्रूवमेंट्स हो जाएंगे। इम्प्रूवमेंट्स इन द सेंस कि आपने देखा होगा, कई लोग बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं। डिप्रेशन किसी भी कारण से आता है, लेकिन यदि ये आएगा तो कब? जब आपके चंद्र कमजोर पड़ जाएंगे। चंद्र कमजोर पड़ने का मतलब है जब आपका मन कमजोर होगा, है ना? या मैं यूं कहूं, मन कमजोर होने का मतलब है चंद्र कमजोर हो जाएगा। चंद्र और मन दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब भी आपका चंद्र कमजोर होता है, आप अलग अलग तरीके से बेचैनी महसूस करने लग जाते हैं। आप कितनी बार उन चीजों से जुड़े हुए होते हैं जिनको लेकर के आप बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हैं, जिन चीजों को लेकर के आप बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन आपको वो चीज वहां से नहीं मिलती, चाहे वो इंसान हो या कोई भी फील्ड हो, तब आप डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं। आप किसी पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, लेकिन यदि सामने वाला व्यक्ति आपके ट्रस्ट के चिथड़े चिथड़े उड़ा देता है, तब आप डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं, जिस पर आपने बहुत भरोसा किया होता है। जब वो व्यक्ति आपसे दगा करता है, धोखा करता है, तब आप डिप्रेशन में जाते हैं। और बहुत दुख की बात है दोस्तों, तब जो डिप्रेशन में जाता है उसका दिमाग नहीं चलता, क्योंकि ये चीज सीधे मन पर असर करती है, दिमाग पर नहीं। दिमाग उस समय बिल्कुल काम नहीं करेगा। जो व्यक्ति आपको कुछ समझ ही नहीं रहा है, उस व्यक्ति के कुछ भी करने नहीं करने से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फर्क पड़ता है, क्योंकि आपका मन उससे जुड़ा था। मन के पास बुद्धि नहीं होती, सिर्फ फीलिंग्स होती है, और वो फीलिंग जब हर्ट होती है तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, बेचैनी में चले जाते हैं। कई बार आप किसी नौकरी में, धंधे में जुड़े हुए हैं, बड़े मन से आप स्टार्टिंग करते हैं कि नहीं, मुझे तो ये काम को ऐसे करना ऐसे करना, लेकिन जब सफलता नहीं मिलती तब भी आप डिप्रेशन में चले जाते हैं कि नहीं नहीं, मेरे से नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि मैं काम कर पाऊंगा, है ना? तो आपका मन हो जाता है कमजोर। कमजोर मन कुछ भी नहीं कर सकता, मन के हारे हारे, मन के जीते जीते। तो मन आपका मजबूत बना रहे हर हाल में, हर हाल में। कोई आपके साथ कुछ भी करता रहे, लेकिन आप अडिग रहे अपनी जगह पर, इसके लिए आप इस उपाय को जरूर करें जो मैं बता रही हूं। सोमवार सोमवार आप एक तांबे के लोटे में जल ले लें और उसमें आप खसखस डालें। खसखस दोस्तों यूं भी बॉडी के लिए भी बहुत पॉजिटिव है, यदि आपकी बॉडी में गर्मी ज्यादा है तो ठंडक लाने के लिए, है ना? पानी में खसखस डाल करके यदि आप शिवालय में लेकर के जाते हैं वो पानी, और भगवान शिव को ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए आप वो जल अर्पित करना शुरू कर दें सोमवार सोमवार, आप देखेंगे आपके चंद्र मजबूत बन जाएंगे। चंद्र मजबूत बनेंगे मतलब आपका मन मजबूत बनेगा, मन मजबूत बनेगा मतलब आपके कर्म बहुत ही अडिग रूप से होंगे, बहुत मजबूताई से होने शुरू हो जाएंगे। छोटा सा ही काम है ये, लेकिन करें जरूर। शिव जी देवों के देव हैं, महादेव हैं, इनके आशीर्वाद दोस्तों हर असफल काम को भी सफल बना देते हैं, कितना भी कमजोर मन हो मजबूत बनाते हैं। कितनी भी आपके जीवन में वीरानियां आ गई हो उसको खुशियों में बदल देते हैं। करके देखिए इस उपाय को, क्या अनुभव होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। जय श्री कृष्णा।